नमस्कार आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक घर में जो है सामान बिखरा हुआ है अक्सर जो है हम आपको खबरें भी दिखाते रहे हैं कि इन दिनों चोर जो है पानीपत शहर में सक्रिय हो चुके और ख़ासकर चोर निशाना बना रहे हैं उन घरों को जहां पर कोई भी नहीं होता यानी कि सूने मकान को चोर निशाना दिन प्रतिदिन बनाते जा रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के सेक्टर छः सिद्धार्थ नगर में आपको बता दें कि यहां पर बीती देर रात चोरी हुई है और चोरी इस प्रकार हुई कि पूरी तरह से पूरे घर को जो है खंगाला गया है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक सामान को पूरी तरह से खंगाला गया है और कुछ भी छोड़ा नहीं गया है बड़ी बात आपको बता दें कि चोर इतना शातिर निकला कि उसने ना सिर्फ गहने कैश बल्कि यहाँ तक कि जो है कुत्ता जो कि यहाँ पर जो है पालतू कुत्ता था उसे भी उठाकर अपने साथ ले गया है इसके अलावा जो है घर के बगल में ही जो है एक कार कार खड़ी थी कार को भी चोर अपने साथ लेकर चला गया तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सेक्टर छः सिद्धार्थ नगर में जहाँ पर महज एक चोर क्योंकि सी तस्वीरें भी परिवार वालों ने उसमें उसमें बताया गया है है कि उसमें सिर्फ एक चोर दिखाई दे रहा है। उस चोर के पास इतना वक्त होता है कि वो पूरे घर को खंगाल कर देखता है कि आपको बता दें कि ये फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद है जहां पर किराए के मकान में एक परिवार नीचे रहता है और एक परिवार जो है ऊपर रहता है चोर का चोरी करने का तरीका तो देखिए पहले वो बाहर का ताला तोड़ता है उसके बाद अंदर आता है और सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर हर एक सामान को हर एक जगह को हर एक कमरे को हर एक अलमारी को खंगालता है हर एक चीज़ को खंगालता है और जो कुछ भी उसके सामने आता है उसे चोरी कर ले जाता है फर्स्ट फ्लोर पर जो परिवार रहता था आपको बता दें कि परिवार वाले जो है परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है जिसके बाद परिवार को आनंद फानंद में अपने घर जाना पड़ता है बिहार और इसी के चलते जो दूसरा परिवार है जो दूसरा ऊपर रहता है उन्हें जो है शादी के चलते शादी थी घर में तो वो भी जो है अपने परिवार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे लेकिन इसी बीच चोर ने जो है सेंध लगाई इस घर में और हर एक सामान में चोरी कर ली हर एक जगह पर चोरी कर ले परिवार वाले हैं परिवार वाले तो खैर अभी तक नहीं आ पाए हैं क्योंकि एक परिवार जो है नीचे का परिवार बिहार गया है और दूसरा परिवार जो ऊपर रहता है वो शादी समारोह में गया है अभी तक परिवार वाले नहीं आ पाए हालांकि उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं मैम कब आपको पता लगा कि यहाँ पर चोरी हुई है सुबह छः बजे जब हम ट्विंकल को हमारी जो डॉगी है उसका नाम था ट्विंकल हम उसको जब घुमाने आए तो हमने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है गेट का ताला भी टूटा हुआ था और फिर हम घर के अंदर आए तो सारा सामान बिखरा हुआ था फिर हमने देखा पैसे वैसे चेक करे गहने वगैरह तो सब गायब था और उसके बाद लैपटॉप भी नहीं था यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह सब गायब थे उसके बाद बाहर निकल के जब हमने गाड़ी चेक करी तो गाड़ी भी गायब थी हमारी हमारी कुतिया ट्विंकल भी गायब थी क्या क्या कितने तक का नुकसान है ये मान लो आठ नौ लाख तक का आराम से आठ नौ तो लाख तक का मतलब गहने भी थे और क्याश हाँ क्याश गहने, गहने भी थे कैश भी था कार भी थी लैपटॉप अच्छा, वगैरह जो गया और सब मान गया वो अलग अच्छा और मंदिर में भी पीतल के बर्तन चांदी के बने हुए थे भगवान जी के वो वो सब ले गया वो चोर सीसीटीवी में आपने देखा है कि एक ही चोर सीसी में एक ही लड़का था 19-20 साल का लड़का दिख रहा था वो और वही गेट का ताला उसी ने तोड़ा दो तीन घंटे पूरे रावो उसी ने चोरी करी सारी एक ही लड़का था सिर्फ ये जो परिवार वाले रहते थे किस कारण वहाँ पे गए मैं जो मेरा मेरे ताऊ जी लगते थे मेरा भाई था वो एक्सपायर कर गया तो इस वजह वो बिहार में ही रहता था तो इस वजह से जल्दबाजी में सब खड़े ही सारे चले गए ऐसे ही कुछ भी नहीं बस यूं था जाना है तो फिर गेट वेट ऐसे सब सामान रख के चले गए यहाँ की रखवाली हम ही करे थे रात में कल रात में भी हम साढ़े बजे उस ट्विंकल को घुमा के फिर ताला लगा के गए हैं उसके बाद साढ़े बार बारह बजे वो आया चोर उसके बाद उसने साढ़े बारह बजे से साढ़े तीन बजे तक तीन इक्कीस पर वो कार लेके निकला यहाँ से तो ये परिवार जो परिजन थे जिन्होंने बताया कि मंदिर में यहाँ तक की जो बर्तन थे चांदी के वो तक जो है चोर अपने साथ उठा ले गया साथ ही एक पालतू कुत्ता था उसे भी चोर अपने साथ ले गया इसके अलावा कार वो भी ले गया कुछ पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं अंकल जी पुलिस आई थी और पुलिस आई थी पुलिस को बताया था हाँ जी पुलिस ने को बताया था सारे स्ट्रीमेज दे दिया था हमने दरखास्त भी लिखवा चुके हैं फिंगर भी ले चुके हैं सब आके चले गए हैं उन्होंने भी सी सी टी कैमरा भी चेक किया है इससे पहले भी यहाँ पर चोरियाँ होती रही क्योंकि सोने मकान को नुकसान पहली बार ऐसा हुआ है पंद्रह बीस साल में पहली बार ऐसा हुआ है पहले कभी नहीं हुआ तो हम तो अठारह साल उन्नीस साल तो मेरे को रहते हो गए यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ जो सी में युवक दिखाई दे रहा है उसका चेहरा नहीं साफ नज़र आ रहा कि ऐसा तो नहीं कहीं आस पास का ही कोई लड़का हो आस पास का तो लड़का नहीं है आस का होता तो हम पहचान लेते मगर ये है अकेला लड़का अठारह उन्नीस साल का लड़का है कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी उसने सारा पता भाई घर में कोई नहीं है ए, किस टाइम निकलते हैं किस टाइम आते हैं किस टाइम जाते हैं उसको सारा आइडिया है तो उस... अब आपको जो है आ, दूसरे फ्लोर पर लेकर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो आपसे पीला आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दूसरे फ्लोर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कमरे हैं चोर ने जो है इस कमरे में बेड और अलमारी पूरी तरह से जो है खंगाला है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक जो बेड में डेस्क होता है उसको जो है खोला गया है यहाँ तक कि अलमारी आप देख सकते हैं कि अलमारी को जो है पूरी तरह से हर एक सामान को जो है खंगाला गया है हर एक सामान को बिखेरा गया है पूरी तसल्ली के साथ चोर के पास इतना वक्त होता है क्योंकि ना तो नीचे परिवार में कोई मौजूद होता है ना ही ऊपर कोई होता है जिसके चलते उसके पास इतना समय होता है कि वो जो है सारा सामान अपने साथ जो है लेकर चला जाता है नीचे आपने देखा कि कितना जो है काफ़ी लाखों का सामान जो है चोरी कर अपने साथ ले गया है कार ले गया है आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हर एक सामान को पूरी तरह से निकाला गया साथ सबसे पहले आप देखिए कि अलमारी का जो जहाँ पर जेवर वगैरह रखते हैं वहाँ पर किस तरह से उस अलमारी को तोड़ा गया है इतना ही नहीं बल्कि एक एक चीज़ को यहाँ पर खंगाला गया है देखिए इसमें सोने के जितने भी जेवर रखे गए थे चांदी के जेवर रखे गए थे वो सभी जो है वो खंगाला गया हर एक पर्स जो है खंगाला गया छोटे छोटे पर्स आप लाइव तस्वीर तो में देखिए इस साइड मंदिर भी है और पूरी तरह से जो है हर एक कमरे को बड़ी बारीकी से जो है उसने तलाशा है ताकि वो जो है हर एक सामान चोरी कर अपने साथ ले जाए नीचे जो है आठ नौ से दस लाख रुपए तक का जो है चोरी सामान हुआ है इसके अलावा कार चोरी हुई है साथ ही पालतू जो कुत्ता था इन्होंने पाल रखा था उसकी भी चोरी चोर कर अपने साथ ले गया है ऊपर की बात करें तो यहाँ पर जो है तीन से चार लाख तक का जो है जेवर वो अपने साथ ले गया है कैश भी था क्योंकि परिवार वाले बाहर गए हुए थे नीचे के परिवार वाले भी ऊपर वाले भी जिसके चलते है चोर के पास इतना वक्त होता है और वो सूने मकान को जो है निशाना बनाकर चोरी कर लेता है तो आपसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जो सेकेंड फ्लोर पर परिवार पर वाले रहते हैं उनके जो परिजन है वो भी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करते हैं आपको कब पता लगा कि घर में चोरी हो सुबह छः बजे छोटे भाई के पास का फोन आया था की भैया एक बार घर पर चले गए ना देखना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ एक साथ चोरी हुई है मैंने आके सुबह देखा तो न, 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 नीचे पहले देखा फिर ऊपर देखा तो सारे ठंडे पड़े होते हुए सारे लॉकर तोड़े हुए थे बस इसका फैन चल रहा था हल्के से बाकी सारा लाइट सारा बंद था जी कितने तक का सामान चोरी हुआ चार लाख तक का कम से कम सोना चांदी था जी और कैश ज्यादा नहीं था पाँच सात हजार रुपए कैश होंगे जी तो कैश परिवार वाले शादी में गए थे हाँ छोटा भाई और उसकी वाइफ वाइफ पहले जा चुकी थी अपने पापा के साथ में छोटा भाई कल डेढ़ बजे गया यहाँ से मम्मी भी रहती थी मम्मी एक्चुअली मामा का तबियत ठीक नहीं था तो वो दिल्ली है सिस्टर के पास तो इससे पीछे चोर जो है चोरी कर लेगा बड़े मतलब काफ़ी वक्त लगाया उसने चोरी करने में हाँ, कम से कम तीन साढ़े तीन घंटा घर के अंदर था वो क्योंकि एक एक चीज़ को जो तसली कर रखा हुआ है लॉकर सारे तोड़ रखे हुए हैं तो फिर तो टाइम तो लगाया ही उसने बंदे ने बिल्कुल आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि एक एक चाहे वो बेड हो अलमारी हो रसोई हो सब चीज़ को उसने बड़ी ही बारीकी से जो है खंगाला है और हर एक पर्स को जितने भी जिस जगह पर जेवर रखे जाते हैं हर एक पर्स को उसने खंगाला है और सब कुछ जो है अपने साथ लेकर चला गया एक बार फिर से आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सेक्टर छः सिद्धार्थ नगर में तो आपसे अपील आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें तस्वीरें आप खुद देखिए कि अलमारी हो बेड हो हर एक सामान को जो है उसने जो है खंगाला है अलमारी को तो पूरी तरह से उसने तोड़ा है ताकि वो कुछ भी सामान यहाँ पर छोड़ ना सके और उसने यही हुआ कि उस अकेले चोर ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा आनंद फानन में परिवार वालों को जाना पड़ जाता है और इसी के चलते जो है उसने जो है इस घर में जो है सेंध मारी और सब कुछ जो है चोरी कर अपने साथ ले गया फिलहाल जो है पुलिस को परिवार वालों की तरफ से जो है मामला दर्ज करवा दिया गया है शिकायत दे दी गई है एफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुँची थी पुलिस की टीम भी मौके पर पहुँची थी अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस चोर को जो है शाति चोर को पकड़ पाती है तो आपसे फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम वॉइस सो ऑफ पानीपत